बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। और हमारी हमेशा से यही दुआ है आप सब के लिए, आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो आज के व्लॉग में हमारे घर में क्या बन रहा है तो वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश भी होती है कि अगर आप हमारे चैनल ज़ोया किचन पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। मेरी लाइफ जो है ना बहुत बिजी है। तो इधर मैं आज बना रही हूँ कढ़ी पकौड़े, तो पकौड़े मैं बना रही हूँ और कढ़ी जो है ना इधर पक रही है अभी। मैंने कहा जी साथ साथ, क्योंकि बच्चे जाहिर है बच्चों के भी काम होते हैं। मेरा मुन्ना छोटा सा जो है ना रोए जा रहा है। तो अम्मी जी भी घर पे नहीं है और उसे लिटाया था, थोड़ा सा खेला है और रोने लग गया है। पास उसके बैठी है ज़ोया खिलाने के लिए। और मैंने पकौड़ों का सामान भी तैयार किया है। अभी जो है ना मैंने इसमें क्या क्या डाला है, इसमें जैसा कि आपको पता है फूके तो हम डालते हैं, तो इसमें फूके, पालक भी माशाल्लाह से हमारे घर की है ताज़ा, धनिया भी हमारे घर का ताज़ा है वो भी इसमें डाला हुआ है, और जो मसाले धनिया वगैरह है सूखा धनिया और लाल मिर्च पाउडर गया है इसमें, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें जी। तो ये पकौड़े हैं, देखें जी देखने में कितने मज़ेदार हैं जी। तो ये मैं बना रही हूँ पकौड़े और ज़ोया जो है ना अपने भाई को खिला रही है उधर। मैंने कहा जी थोड़ा सा चुप करा दो इसे, क्योंकि रोए जा रहा है। ऐदा करने वाली मैं भुल गई हूँ, तलन वाली मैं खड़ा दो। चलो उसे चुप करो। शावेद नहीं चुप कर रहा। अच्छा चलो उसे चुप कराओ, उसे चुप कराओ, चुप कराओ। और मेरे बहुत से बहन भाइयों ने पूछा कि आपसे कैसे रहता हो, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर हमारी वीडियो को पूरा वॉच करें। तो अभी जब पकोड़े और कढ़ी हम बना लें फिर आपको बताते हैं। आजकल जो है ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, तो रात के टाइम भी फिर आधी रात को जो है ना सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और सुबह के टाइम भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और सारा दिन जो है ना गर्मी ही होती है, गर्मी ही गर्मी। और आज मैंने शहबेज को भी नहलाया है। ओए मिठू आ गई। शहबेज जो है ना रोए जा रहा है, कहता है मम्मा जी आ भी जाओ, काम नहीं खत्म होता आपका। तो ये देखो कपड़े कितने गंदे किए, अभी बदले थे। मजेदार है, ये लो आज खा लो, ये लो। क्यों क्यों नहीं खाना? जो है के बाल देखे कितने गंदे हुए हैं, मट्टी डाल के आई हो ना बालों में, सारी चुटिया भी ये देखो खोल दी है। मजेदार है चीजी। काफी दिन हो गए थे, मेरा वैसे भी पकौड़ों को दिल कर रहा था, तो गाय जो है ना दूध नहीं आप निकालते उसका, तो छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा सा जमा करके जो है ना लस्सी डिड़की है सी, लस्सी जड़ी अज असी रिड़की है ओदी असी कढ़ी बना दी ताज़ा लस्सी की जो है ना कढ़ी अच्छी बनती है। सुदिया जी,
मेरा कोड़ा किधर गया। मैं बना भी रही हूँ और खा भी रही हूँ, बहुत मज़े के बने हैं। तो मेरे सब बहन भाई पूछते हैं कि आपसे रब्ता कैसे हो, तो हमारी हर वीडियो में जो है ना इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद होता है, तो आप वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बच्चे जो देख रहे हैं मुझसे पूछते भी नहीं, उठा के नहीं जा रहे हैं। जोया भी आई और लेकर चली गई है। कड़ी में पानी हाँ, कड़ी में मैं थोड़ी ये बनाई हूँ, बहुत मज़े के बने हैं ना, तो बच्चे छोड़ नहीं रहे हैं, पैसे तो खाते नहीं हैं। जा चलो खा लो, ये खा लो, हाँ ये ले लो, बस एक ले लो। जोया ले गई थी, पकौड़े में कड़ी में जल्दी जल्दी पा लूँ, बच्चिया ने सफाया कर देना सारा। जोया आऊगी तेरे, तो ये है जी हमारी कड़ी पकौड़ों की रेसिपी। आपको अच्छी लगे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये रेसिपी अगर आप बनाना चाहते हैं तो, और आप कहते हैं कि जी मैं बनाकर दिखाऊं, तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपको बनाकर दिखाएंगे। लेकिन आप बताना ज़रूर कि क्या मैं कड़ी पकौड़ों की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। किदा ढेरी हो गए, और जेड़ा भाई रोन दिया नहीं चकना मुड़ के जाके, चल जा अच्छा बना के दिंदी बाबू, बाद च बना के लवानी मैं इहदे च, ठीक है साडी नहीं लड़ाई मुकनी। बच्चों के साथ ना बच्चे बनना पड़ता है, ये बात पहले ही समझ थी, लेकिन जब बच्चे हो गए हो गया काम कर लिया। पकौड़ी भी माशाल्लाह से हमारी तैयार हो गई है, और पकौड़े भी तो इसमें डालते हैं, पकौड़े मैंने ना पकौड़े आधा आधा करके डालने हैं, क्योंकि इनको पता चल गया और थोड़े से रह गए हैं, इस वजह से ना मुझे आधे करने पड़ेंगे। अभी तो मैंने भी नहीं खाए, हिस्सा मैंने नहीं खाया था, मैंने अपनी दे रखा है। बगैर जो है ना कड़ी कुछ भी नहीं है, पकौड़े जब जाते हैं ना बहुत मज़े की बन जाती है। तो जी मैंने ना घी बचा के रखा है थोड़ा सा, ये कड़ी जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, हरा धनिया लाने वाला है, वो आप डाल लेना, मैं भी डाल लूँगी जी। तो हमारी आज की रेसिपी यही था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा प्यार रखिए, दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।